जी अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कड़े वर्कशॉप पे आज गाड़ी को ना 10 व्हीलर से 12 व्हीलर पे कन्वर्ट करना है। तो ये सारा डिटेल आपके साथ A to Z शेयर करना है। इस पर टाइम कितना लगता है, खर्चा कितना आता है, A to Z आपको दिखाएंगे आज। तो कड़े मुनेर में आपको तो पता है पाकिस्तान में एक्सल लोड का मसला बना हुआ है, तो इसलिए हमने गाड़ी कहाँ अभी पीछे एक व्हील और भी लगाना है। सारा जो है ना जितना आप हमारी जितना कोशिश करेंगे आपके साथ सारे डिटेल शेयर करें। इधर से ना ये उस्ताद लगा हुआ है, ये सीढ़ी कोल्ड है, इसको कोल्ड के मलगाट सारे उठा दे। ये मलगाट इधर से हम ना सारा को काट देना, इस तरह मलगाट बनाना है, इधर इस तरह इसको कटाई करना है। जब तैयार होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो इसके ना इधर कमानी ममानी लगा के टुकड़े एक और लगाने, इसको व्हील लगाने और सारे कोशिश करनी है कि आपके साथ सारा वीडियो शेयर कर। ये जालर भी उस्ताद ने इंग्लैंड लगा दिया, इसको इंग्लैंड नया लेके आया हमने। और बाकी जो है ना इसका जो स्टेपनी वाला सिस्टम है, स्टेपनी वाला हमने निकाल दिया, वो पड़े सामने। तो इसको ना कोशिश कर रहे कि इधर सेट हो इसका स्टेपनी का प्रोग्राम बने, क्योंकि स्टेपनी भी लाजमी है ना। तो अभी 2 बज रहे क्योंकि असल में ना लेट की वजह से टाइम काम हमारा थोड़ा लेट हो गया। अगर लेट ना होता तो अभी तक काफ़ी काम होना था इसमें, लेकिन बस अल्लाह खैर करे। मुश्किल आज तो कन्फर्म नहीं है कि आज काम खत्म हो जाए। जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, अब्दुल्ला भी आ गया, वालिद साहब ने लेके आए सामने जो है ना, वालिद साहब ये जो है ना ये आए उधर से, क्योंकि काम बड़ा था मैंने उसको बुला दिया कि आप आ जाओ खुद ना चेक कर ले। क्योंकि आप जो गाड़ी देख रहे उबैद को, अब मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 गाड़ी है सारा ना इस बंदे की वजह से ना, ठीक है ना। तो ये वालिद साहब के साथ आ गया छोटे गाड़ी में गाँव से, मैंने बोला जाओ खुद काम चेक कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी कमानी भी रेडी हो गई, इसको ये झूला लग गया है और बाकी जो है ना ये भी लग गया है। अब इसके ऊपर रेबर में ऊपर लगाना है, बाकी काम बस होने वाला है। और ये सामने जो टूप है ना ये लगना है, ये अभी लेके हमने अब अभी इसका सेट कर दिया है। मेरा ड्रम मामा मैंने डाले, ब्रेक का सिस्टम इसमें नहीं होगा, बाकी इसके ऊपर पूरा वजन होगा, आप लगा दिए ब्रेक का सिस्टम हमने इसमें अभी तक फिट नहीं किया। फिर देखेंगे आराम से, अगर कोई मसला कर रहा तो कर लेंगे ड्रम वाला सिस्टम।
Дальше давай.
गाड़ी हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। इसमें ना हमें थोड़ा सा कलर मलर भी करवाए, ये मलगाट हमने इस तरह लगाया बना दिए क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी नहीं, क्योंकि इसको ना ये मलगाट नहीं बनाते, इसको अंदर लगा देते। मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आप देख लोगे। तो आपने लाजमी कमेंट्स करना है जी कि इस तरह ये ठीक लग रहे थे कि नहीं पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तैयार हो गई, इसमें दो दिन लगे तकरीबन, और इसमें सारा जो खर्च आ गया हमारा वो भी बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं भी आपको जो फिटिंग किया ये मैं आपको दिखा दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी गाड़ी निकाल लिया ट्राई पे, अभी इसको थोड़ा सा अभी इधर लेके आया, इसको ट्राई कर रहे हैं। इसको ना ये वाला सिस्टम हमने लगा दिए, अगर आपकी गाड़ी ना खाली है तो इसको इसके साथ आप ऊपर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी ना ये पूरा पैर ऊपर है हमारा, ये देखो बिल्कुल ही। अगर आपने फिर वज़न गाड़ी लोड किया है तो इसको फिर नीचे करके ना इसके ऊपर वज़न आएगा जी। तो हमने यहाँ ये वाला सिस्टम कर दिया है जी, कमेंट्स करके बता देना कि इस तरह है। ये मलगाट आप देख लें, इसमें कलर चलर करवा है थोड़ा बहुत, और ये बाकी ये इस तरह ही है। असल में ना हम सोच रहे थे इधर तो इधर पहले स्टेपनी लगा होता था, ये देखो स्टेपनी वाला अड्डाई का जो निशाना भी है। हम सोच रहे थे इधर कोई जगह बना ले स्टेपनी के लिए, लेकिन वो नहीं बन गया। असल में ना हमारी टिंकी बड़ा है, उस साइड पे टोल बॉक्स है हमारे पास दो, जिसमें जैक मैक पड़े होते हैं, तो नहीं स्टेपनी का जगह नहीं बन गया। इसके लिए कोई जुगाड़ बनाएंगे क्योंकि स्टेपनी भी लाजिमी है। अगर अभी रास्ते में कोई टायर मेरे पंचर हो गया तो इससे एक टायर निकालेंगे इधर लगाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है जी। तो आपको पता है पाकिस्तान में और लोडिंग का मसला बन गया है। अभी ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें इसको वज़न अभी कितना पास है। ये पहले दसवीर गाड़ी जो था पाकिस्तान में तकरीबन 27 टन गाड़ी समेत आप लेके जा सकते थे। अभी ना 12 व्हीलर का जो है ना आप 39 टन जो है ना डाल सकते हो वज़न टोटल गाड़ी के साथ 39 टन ने। अभी माशाल्लाह हमने दो मैं घर गया था अब्दुल्ला ने काम करवाया उधर से, तो दो दिन बाद दो काम करवा दिया, तकरीबन दो दिन में काम हो गया। फिर दो दिन गाड़ी खड़ा था इधर बुनेर में, फिर उधर मैं गया था गांव से इसका कागज़ बनवाना था, क्योंकि कागज़ भी ना कागज़ में आपको इसको 12 व्हीलर करना है जी। इसमें ना टोटल जो खर्चा है तकरीबन 3.5 लाख तक खर्चा है, 3,40,000-50,000 इसमें टोटल इस खर्चा है जी। इसके लिए हमने ये कमान ही हो गया जो ले, बाकी ये टॉप मोप हो गया, अब हो गई इसमें बोल्ट मोट हो गई, इस तरह पूरा खर्चा आ गया जी। तो यह मुद्दा हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आपने कमेंट्स करके बता देना कि किस तरह गाड़ी लगा रहे, क्योंकि दूसरी गाड़ी को भी इस तरह बनाना है जी। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, उसके आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको ड्राइव करके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह जी इसको चलाना है, क्योंकि ना 12 व्हीलर का अभी क्योंकि 1 व्हील ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसको चलाने में भी तो इस तरह नहीं कि फिर भी अभी हम तकरीबन हमारा गाड़ी का जो है 13.5 टन वज़न है, तो इसमें 26 टन 25 टन वज़न लोड करेंगे तो गाड़ी भी हल्का होगा अभी सारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल खुश हूँ इससे 1 लोड से, बिल्कुल ही अभी बिल्कुल सुकून वाला काम बन गया जी। तो ये तो हमारा छोटा सा व्लॉग, और व्लॉग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।